नमस्कार किसान साथियों, टेक्नो ट्रैक्टर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम महिंद्रा 575 डुअल क्लच ट्रैक्टर है, इसकी फ्रंट एक्सल की बेरिंग जो है तो इसको हम चेंज करेंगे। बेरिंग अगर ख़राब होगी तो बेरिंग चेंज करेंगे, और नहीं तो फिर ग्रीसिंग करके इसको पहले जैसे लगा देंगे। होता क्या है कि लेव लगाने के बाद इसमें इसके अंदर पानी चला जाता है और मिट्टी जाने के कारण बेरिंग बाद में ख़राब होती है। अभी नहीं होगी लेकिन जंग लगने की वजह से फिर 1-2 महीने बाद फिर बेरिंग रास्ते में ख़राब हो सकती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले ही इसको ग्रीसिंग कर देते हैं काम होने के बाद। तो ट्रैक्टर हमारा धुल कर खड़ा कर दिए हैं, तो अब इसको एक साइड ग्रीसिंग कर दी है, अब ये दूसरी साइड का कर रहे हैं। तो अगर इसकी बैरिंग ख़राब होगी तो चेंज करेंगे, और यदि बैरिंग ख़राब नहीं होगी तो फिर इसको डीजल से धुलकर फिर उसमें हम ग्रीसिंग करके लगा देंगे उसी को। होता क्या है कि रास्ते में फिर बैरिंग हमें धोखा नहीं देती है। और महिंद्रा युगो में इसमें एक छोटी सी कमी है, इसके हब में ग्रीसिंग के लिए नोजल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी कंपनियों के ट्रैक्टर में यहाँ पे हब में ग्रीसिंग के लिए पॉइंट रहता है जिससे हम ग्रीसिंग बाहर से ही कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। तो बाकी के बोल्ट मैंने नट बोल्ट पहले ही खोल लिया जिससे समय की बचत हो सके। तो चलिए इन दोनों को भी खोल लेते हैं, और यदि कुछ कोई तरीका गलत हो ग्रीसिंग करने का तो आप कमेंट करके कमेंट में बता सकते हैं। तो इसकी ग्रीसिंग काफ़ी हद तक सही है, अभी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है, लेकिन ये बाहर का हिस्सा है तो इधर तो एना बोल्ट लगाने की वजह से पानी नहीं जाता है और कीचड़। जो सबसे पहले यहाँ पे एक सेफ्टी पिन लगी रहती है लॉक, जिसे निकाल लेते हैं प्लायर की मदद से। इसे निकालने के बाद यहाँ से चकनट को पाना की मदद से खोल लेंगे।
ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि ये चेंज करने लायक है या नहीं है ग्रीस इसका। और ये हब है, तो ये देख सकते हैं आप इसमें कितनी मिट्टी गई है। कितना भी आप बचाएंगे लेकिन इसमें पानी के साथ मिट्टी जाती है। देखिए मैंने बोला था ना, यहाँ से यहाँ तक इसका पानी आता है। और सबसे ज़्यादा इसमें बैरिंग फूटने की समस्या यही रहती है, बड़ी वाली फूटती है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी बैरिंग बाहर निकालेंगे और बैरिंग बाहर निकालने के बाद इसको साफ़ करेंगे, फिर हम आगे वीडियो बनाएंगे। और एक समस्या और रहती है, हमेशा इसकी फिटिंग करते वक्त आप देख लें इसमें ऑयल, ये जो ऑयल सील लगती है पैकिंग, तो इसमें प्ले रहता है या नहीं। तो चलिए अब इसकी सफाई करते हैं स्टार्ट। और यदि कोई गलती हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।
आप ये देख सकते हैं बैरिंग की फिटिंग हो चुकी है। तो इसको ना ही ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा ढीला रखना है, क्योंकि टाइट करने से ज़्यादा बैरिंग गर्म होकर जल्दी ख़राब होगी और प्ले की वजह से भी ख़राब हो सकती है। इसलिए आपको इतना टाइट करना है कि ज़्यादा ढीला भी ना हो, क्योंकि लोड करने की वजह से थोड़ा ढीला होगा भी ये। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।